आप सबको खोल कर दिखाना चाहती हूँ। शोर मत करो वरना खड़ा कर दूंगी। वैसे आजकल आप करती क्या हैं? मेरी दो बहुत बड़ी दूध की फैक्ट्रीज हैं। दूध फैक्ट्री? दोस्तों अक्सर आपको बड़े बुजुर्ग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि अश्लीलता और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ आजकल की फिल्मों में किया जाता है और हमारे जमाने की फिल्मों में सब कुछ साफ सुथरा और पवित्र होता था। अरे प्याज का मजा तब आता है जब उसे मुठ मार के खाया जाए। लेकिन सच तो ये है कि उस दौर की कई फिल्मों में अश्लील भाषा का कुछ इस कदर इस्तेमाल किया गया कि वैसी फिल्में अप्रूव करने से पहले आज सेंसर बोर्ड को 10 बार सोचना पड़ेगा। जैसे कि 1991 में रिलीज हुई फिल्म फरिश्ते, जिसमें धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और रजनीकांत के साथ श्रीदेवी व जयाप्रदा लीड रोल में दिखाई दिए थे। बेहतरीन स्टार कास्ट होने के बावजूद इस फिल्म में विनोद खन्ना का एक बेहद भद्दा सीन दिखाया गया, जिसमें वो एक लड़की के पीछे दूध दूध करते दिखाई दिए। पिछवाड़े जो रहने लगे अक्सर तुम्हारी बंधी हुई गाय नजर आती है, बहुत कभी कभी आ जाए घर दूध पीने के लिए, इसलिए दूध के मामले में वो आपके नोट गिर गए। क्या कह रहे थे हम, दूध के मामले में सब्र नहीं कर सकते। ये लो दूध दूध करते करते चूत तक पहुंच गया। इसके अलावा 1984 में मराठी फिल्म जगत के सुपरस्टार दादा कोंडके ने एक हिंदी फिल्म में बतौर अभिनेता काम किया था, जिस फिल्म का नाम था तेरे मेरे बीच में। अब इसी फिल्म के बीच में एक ऐसा गाना डाला गया जिसको सुनकर सभी के खड़े हो जाएंगे, रोंगटे रोंगटे खड़े होंगे भाई। एक और फिल्म है 1984 की जबरदस्त एक्शन फिल्म मकसद, जिसमें जितेंद्र, राजेश खन्ना, श्रीदेवी और जयाप्रदा जैसे सभी मंझे हुए कलाकार थे। एक एक्शन फिल्म होने के बाद भी इसमें सेक्स कॉमेडी दिखाई गई। इस फिल्म के एक सीन में राजेश खन्ना और श्रीदेवी एक गार्डन में बैठकर एक दूसरे से पहेलियां पूछते हैं और ये पहेलियां अपने आप में इतनी अश्लील थी कि आज की डेट में सेंसर बोर्ड शायद ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने दे। ओके, सुनिए। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो डालता था, मैं रोती थी। वो जाता था, जाता था। मैं बुलाती थी। वो डालता था, मैं रोती थी। मैं रोती थी। अड़ोड़ा मरोड़ा थूक लगा के उसे क्या 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 अड़ोड़ा मरोड़ा थूक लगा के घुसेड़ा, मुझे मेरा नहीं दिखता, तुम अपनी देख सकती हो, मेरा भी तुम देख सकते हो। अब देखिए, मेरी धोती तेरा घाघरा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2001 की इस फिल्म के एक दृश्य में हीरोइन अपनी एक ऐसी पागल सहेली की सुहागरात की दास्तान सुनाती है, जिसने सुहागरात के दिन अपने पति का बेवकूफी में खून कर दिया। पर बाबूजी, मेरी सहेली थी पारो, उसे कुछ भी पता नहीं था। उसका पति सुहागरात को ही मर गया, पर उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया कि वो कैसे मरा। कैसे? वो क्या हुआ ना, जैसे ही पारो अपने पति के साथ कमरे में गई, उसका पति सारे कपड़े उतार के उसके सामने खड़ा हो गया। तो पारो ने पूछा, ये क्या है?
तो पति ने जवाब दिया, ये चिड़िया है। पारो ने पूछा, मैं इसके साथ खेलूं? तो पति ने बोला, हाँ खेलो। खेलते खेलते चिड़िया बड़ी होती गई। फिर कुछ देर के बाद चिड़िया ने पारो के मुंह के ऊपर थूक दिया। पारो को गुस्सा आ गया, उसने उसकी मुंडी मरोड़ डाली और अंडे सारे तोड़ डाले और घोंसला जला दिया। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि अश्लीलता सिर्फ आजकल की फिल्मों में होती है, तो एक बार उसे हमारा ये वीडियो जरूर दिखा दीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल री रिसर्च को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।